हाँ जी, किदा की हाल चाल? वधिया, आपा सारे वधिया। तो उम्मीद करते तुसी भी सारे वधिया होगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंट्रो मैं कर रही हूँ। तो मैं भी कर सकता हूँ। तुम नहीं कर सकते ना? यू आर नॉट अलाउड, जस्ट गेट लॉस्ट। चलो जाओ 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 जाओ, गायब हो जाओ यहीं से, डिसअपीयर। जाओ जाओ जाओ, ये तो यहाँ पे बार बार परेशान करेगा, कहीं और चल के बात करते हैं। और तुमने चप्पल से? तो चलिए गाइस, बिना टाइम बर्बाद के शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट रोहित, वी वर इन सेम ऑफिस, जहां वो मेरी अपोजिट टीम में काम करता था और हम एक दूसरे के अपोजिट बैठते थे डेस्क के इस तरफ और इस तरफ, जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ वो उस तरफ। तब उसकी गर्लफ्रेंड थी, मुझे भाव भी नहीं देता था, इवन तो मैं स्माइल करती थी उसके बावजूद, लेकिन आई वाज लाइक कब तक स्माइल पास नहीं करेगा, कब तक भाव नहीं देगा। बट इसे एक चीज क्लियर थी कि वो बहुत लॉयल था। एक लड़की सामने से स्माइल दे रही है एंड नो शट गिवन स्ट्रेंज। और ऐसे करते करते महीने निकल गए एंड ही लेफ्ट द ऑफिस। हमारी बात नहीं हुई, बस टाइम निकल गया। सडनली आउट ऑफ नोवेयर इसकी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई फेसबुक पे, जो कि मैंने एक्सेप्ट कर ली। ब्रेकअप हो गया होगा ना? खैर, मैंने एक्सेप्ट कर ली और फिर हमारी बातें होना शुरू हुई फेसबुक पे, इंस्टा पे। ऐसे करते करते कुछ महीने निकल गए, 3-4 महीने ऐसे ही निकल गए। नंबर एक्सचेंज हुआ, बातें होनी शुरू हुई। धीरे धीरे हमें पता चला वी बोथ लाइक ट्रैवलिंग, और ट्रैवलिंग भी ऐसी जगह नहीं जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं लाइक शिमला मनाली, ऐसी जगह जहाँ लोग कम जाना प्रेफर करते हैं और जहाँ एडवेंचर ज्यादा होना। क्या था, वी प्लान्ड ए ट्रिप टू केदारकंठ, नॉट केदारनाथ, केदारकंठ। आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे। हाँ, उस वीडियो में मैं नहीं हूँ, बिकॉज उस टाइम मैंने इसको अलाउ नहीं किया था मुझे यूट्यूब पे लाने के लिए। एंड बिलीव मी, फॉर फर्स्ट टाइमर्स पीक विंटर्स में, जो कि 1-2 जनवरी के आसपास हैवी स्नोफॉल होता है, उस टाइम पे स्नो ट्रैक करना, और वो भी हैवी बैग के साथ। नाइट के टाइम वी टू वर इन डिफरेंट टेंट्स विद आवर फ्रेंड्स, एंड वहाँ पे एकदम से टेम्परेचर -15 तक गया और इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई। मुझे ठंड वैसे ही बहुत ज्यादा लगती है, तो वहाँ पे मेरी हालत खराब होने लगी। जब मेरी हालत खराब होने लगी तो मेरी फ्रेंड ने रोहित को इन्फॉर्म किया, एंड रात को उठकर टेंट पर से बर्फ हटाना, बार बार मुझसे पूछना कि आई एम ओके और नॉट, और मेरी केयर करना। उस वक्त तो पता नहीं चला, बट दिन होने के बाद व्हेन आई रियलाइज कि उसने मेरी कितनी केयर करी है पूरी रात भर, तो एहसास हुआ ही इज द वन फॉर मी। आई रिमेम्बर जब हम वापस जा रहे थे देहरादून से दिल्ली, तो आई क्राइड, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये हमारी आखिरी ट्रिप हो सकती है। मैंने इसे बहुत ख्याल रखवाया अपना इस पूरे ट्रिप पे। सडनली नेक्स्ट मंथ वी प्लान्ड ए न्यू ट्रिप टू जैसलमेर, और वहाँ पे भी यही सेम हुआ, इसने मेरी खूब केयर करी, मैंने भी इसकी केयर करी। धीरे धीरे करते करते हमारी ट्रिप्स होने लगी, हम टाइम स्पेंड करने लगे, एक दूसरे की केयर करने लगे, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता रहे थे। बट स्टिल ही वॉज नॉट श्योर फॉर मी। एक दिन मेरे पास कॉल आता है और सीधा फोन उठाते सीधा एक ही बात, शादी कर ले। एंड आई एम शॉक्ड, आई एम सेइंग पहले प्रपोज तो कर ले कुत्ते। आई सेड यस, और बाकी सारी बातें मिलकर हुई। जब मैं रोहित से नहीं मिली थी तब भी ट्रैवलिंग तो मेरी पार्टनर थी, तब भी मैं ट्रैवल करती थी। मैं एक बार स्पीति गई थी, तो जब मैं स्पीति गई तो वहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अगर अपना लाइफ पार्टनर चूज करूंगी तो उसके साथ मैंने मुझे ट्रिप्स करने हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करनी है या नहीं। और वही सेम चीज मेरे और रोहित के केस में हुई। हमने ऐसी जगह पे ट्रिप्स करे जहाँ पे चीजें इजीली अवेलेबल नहीं थी। मेरा ये मानना है, अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो तो उसके साथ ट्रिप्स पे जाओ, बाहर घूमो फिरो, टाइम स्पेंड करो। ट्रिप्स भी ऐसी जगह जहाँ पर चीजें इजीली अवेलेबल ना हो, जहाँ पे एडवेंचर हो और सर्वाइवल में आपको मेहनत करनी पड़े। जब सर्वाइवल की बात आती है तो इंसान का ट्रू नेचर सामने आता है। वही चीज मेरे और रोहित के केस में हुई। जब हमने एक्सट्रीम कंडीशंस में ट्रेवल करा तो हम दोनों का नेचर सामने आया, एक दूसरे के लिए केयर सामने आई। एंड बाकी जितना टाइम आप एक दूसरे के साथ गुजारते हो उतना आपको पता चलता है एक दूसरे के बारे में, कि वो बंदा आपको कितना सपोर्ट करता है, कितनी केयर करता है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ये सारी चीजें आपको एक दूसरे के साथ टाइम के साथ ही पता चलती है। आई एम बैक टू माई रूम, ये नहीं है अभी बाथरूम में, बार बहुत गर्मी हो रही थी। एनीवे, वी आर नॉट इम्पोजिंग थिंग्स ऑन ईच अदर, ना पहले और ना आज। जितना आप क्लियर रहोगे और जितना आपकी सोच डिफरेंट होते हुए भी क्लैश नहीं करेगी, उतना आप दोनों के लिए अच्छा है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस लाइफ पार्टनर चूज करने का। कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, और ये भी जरूर बताना कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या तरीका था अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का, एंड आगे कैसे अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहोगे उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक चूज नहीं किया है, आपके लिए नहीं जो चूज कर चुके हैं। एनीवे,
With that said, हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियां बांटते रहो, फिर मिलेंगे चलते चलते।